दोस्तों, तो ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं बहुत ही बेस्ट वीडियो है। लहंगा का ब्लाउज अस्तर वाला यानी कि नेट वाला किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है दुल्हन ब्लाउज, तो चलिए हम आपको बहुत ही बारीकी से कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में बताया है। तो ये वीडियो को बिल्कुल आप लास्ट तक देखो, इस वीडियो से बहुत जो है आपको हासिल मिलने वाला है, सीख मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इसी के रिलेटिव वीडियो बनाते रहता हूं और आप सभी को सिखाते रहता हूं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हूं। और सबसे पहले मैं एक और बात बता दूं कि दोस्त, आप लोग जो है एक वीडियो देखते हो और कमेंट करते हो कि सर मुझे ये चीज़ का वीडियो चाहिए, मुझे पैट कटिंग का वीडियो चाहिए, स्टिचिंग का वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा प्लेलिस्ट जो है आप लोग मेरे चैनल पे क्लिक कीजिए और मेरा वीडियो मैनेजर या प्लेलिस्ट जाकर चेक करें कि उसमें कौन कौन सी वीडियो है, कोट कटिंग है, स्टिचिंग की है, पैंट कटिंग है, स्टिचिंग की है, फिटिंग शॉर्ट की कटिंग है, बहुत सारे वीडियो पड़ी है। तो आप लोग जाओ और चेक करो, फिर वहाँ से वॉच करो, वीडियो को देखो, फिर जो है जो वीडियो नहीं है फिर आप कमेंट करो, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और बहुत ही बारीकी से समझाया है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करने का मन करता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए लहंगा ब्लाउज है, और सबसे पहले नापी को समझ लेते हैं। लंबाई है 15 इंच, सीना है 33 इंच, और ये पेट जो है वह 25.5 इंच, बाजू का लंबाई है 3.5 इंच, और बाजू वगैरह है 9.5 इंच। तो चलिए हम जो है सबसे पहले अस्तर काटेंगे। तो ये देखिए ये मेरा बॉर्डर है, आगे ये पीछा हुकल बनेगी, ये हमारा बाजू है नेट का ब्लाउज। चलिए सबसे पहले हम कटिंग करते हैं अस्तर को। तो ये बहुत फिसलने वाली अस्तर होती है, सबसे पहले ऊपर जो है एक मार्कर लगा देंगे। तो मेरा लंबाई है 15 इंच, तो ये 15.5 पे हम मार्कर लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से स्टिचिंग हो जाती है और 1/2 इंच जो है हम इसमें मार्जिंग और बढ़ा देंगे, क्योंकि ये मेरा स्टिचिंग होके पलट जाएगी। अब जो है मार्कर लगाएंगे चेस्ट का, आर्म होल और चेस्ट। तो ये देखिए 5 इंच पे मार्कर लगाएंगे और दूसरा मार्कर 9 पे लगाएंगे, और इसे जो है हम स्ट्रेट कर देंगे। ये चेस्ट का मार्कर हो गया, आर्म होल का, और ये जो है वेस्ट का हो गया, कमर का, और ये बढ़ती हो गया जो नेट का, इसमें स्टिचिंग होगा और पलट जाएगा। और अब बता दें चेस्ट है मेरा 33 इंच, तो मेरा 33 का हिसाब होगा 8.5, तो 8.5 पे हमने मार्किंग लगा दिया और 2 इंच एक्स्ट्रा लगा दिया, कभी भी कम बेसी होती है तो ये मार्किंग लगती है। और ये 8.5 से जो है हम 2 1/2 इंच और कम करेंगे और ये मार्किंग लगा देंगे, यानी कि 7.5 पे, ओके, क्योंकि नीचे कम होती है। और इसमें फिर 2 इंच का जो है मार्जिंग दे देंगे, और इधर से 3.5 इंच का एक मार्जिंग दे देंगे, 3.5 इंच का मार्कर लगा देंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड, ये देखिए ये जो है हम इधर से 5.5 का एक मार्कर लगाएंगे, और यहाँ जो है 5 का मार्कर लगाएंगे, और इसे जो है इस तरीके से हम स्ट्रेट कर देंगे। इस साइड जो है मेरा गला हो जाएगा और आगे जो है आर्म होल हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट आर्म होल जो है वह 1 इंची का मार्कर लगाएंगे, ये 1 इंची पर मेरा राउंड होगा, ये आगे का पल्ला है। अब जो है ये इस मार्का को है हम स्ट्रेट कर देंगे, दोनों मार्का को स्ट्रेट कर देंगे। इस वीडियो में हम जो है कटिंग एंड स्टिचिंग पूरा बताया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और ये देखिए जो हमने मार्का लगाया ये 3.5 का, वहाँ से हमने 1 इंची का मार्का लगाया, और नीचे से हम 3.5 इंची का मार्का लगाया, और ये जो है 1.5 इंची का मार्का लगाया, ठीक है। इसे हम 50-50 करेंगे, और इससे भी और 50-50 करेंगे, ओके। और इसे जो है तिरछी एक मार्किंग दे देंगे। ये जो हम मार्का लगा रहे हैं ये टेकिन का मार्का लगा रहे हैं, इसमें टेकिन पड़ती है, और नीचे ये स्ट्रेट कर देंगे, इसे भी इस तरीके से मार्किंग दे देंगे। और यहाँ 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे, ये भी 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे। अब इसे राउंड कर देंगे, ठीक है। इतना दूर मेरा टेकिन नहीं पड़ती है, इतना छोड़ कर ही टेकिन मेरा वहीं पे जहाँ पे राउंड देख रहे हैं
वहीं तक मेरा टेकिंग रख दिया। अभी टेकिंग नुकीली टाइप की रहेगी, आप स्टिचिंग में देख लेंगे। और ये जो हम गला का मटका लगा रहे हैं वो 2.5 इंच का लगा रहे हैं, ठीक है। और आपको आगे का नेक बड़ा चाहिए गला, तो ये जो मार्का इसे और नीचे लगा के आप लगा सकते हैं। बट ये जो है मेरा इतना ही बड़ा गला चाहिए, ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए, इससे बड़ा चाहिए। तो आप नीचे गला का 1 इंच लगा सकते हैं, सिर्फ गला का, आर्महोल का नहीं। ये देखिए मेरा नेट का है, मैंने नेट दिखा दूँ, ये वर्क है आगे। और आगे कोई डिजाइन रहता तो ये गोल गला हम नहीं करते, ऐसे ही काट देते। और ये देखिए मेरा कटिंग स्टार्ट हो गया। आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो नेट का जो है ब्लाउज, जिसे लहंगा होती है, दुल्हन ब्लाउज बोले जाते हैं इसको, तो ये आप कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा तसल्ली से देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। और इस लाइन से जो भी सिलाई सीखते हैं उनके पास जो है मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और इसी के सामने जो है हम मार्का लगा देंगे, ये फर्स्ट जो मेरा टेकिंग है ऊपर मार्का दिख रहा है वो नीचे भी लगा देंगे, ताकि मेरा बराबर बराबर टेकिंग पड़े, कम बेस ना हो, क्योंकि ब्लाउज जो है टेकिंग के ऊपर ही, खोलिए के ऊपर ही अच्छी लगती है। और जिधर जिधर हमने मार्का लगाया है उसे हम नोचिस लगा देंगे, ताकि दूसरे पल्ला में भी मालूम चले। अभी से इस तरीके से हम मार्का लगा देंगे। ये मेरा जो है टेकिंग का मार्का फाइनल हो गया, ये देखिए इस तरीके से, ओके। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से हमने वीडियो बनाया है और आप लोग को समझाया है। भाई इजी तरीके से वीडियो नहीं बनाया है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आप लाइक कमेंट कर देते हैं, वीडियो को शेयर कर जाते हैं, तो मेरा मेहनत जो है वसूल हो जाती है। ये देखिए अब जो है हम बैक पल्ला काटेंगे, पीछे का गला हमें बड़ा रहेगा। तो किस तरीके से बड़ा गला काटेंगे आप ध्यान से देखते जाइए। फर्स्ट ऊपर का जो पल्ला है फ्रंट का, उसे हम बैक पर इस तरीके से बिछा देंगे। ये देखिए ये कपड़ा बहुत फिसलती है, इसलिए आप जो है तसल्ली से काम करें और अच्छी तरीके से बैठ जाए, फिर कटिंग करें। तो इस ब्लाउज में हमें कहीं भी तुरपाई नहीं करनी पड़ी है, बिल्कुल हर जगह स्टिचिंग है। तो आप ऐसा चाहते हैं ब्लाउज स्टिचिंग करना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों सीख जाएंगे। और देखिए ये बैक पल्ला में जो है 1/2 इंच हम 1.25 इंच ज़्यादा रखते हैं आर्म होल, तो हमने वहाँ से नाप लिया 1.5 इंच और मार्का लगा दिया, और इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए अब जो है हम बैक गला कट करेंगे। तो बैक गला किस तरीके से कट करेंगे आप ध्यान दें, ये देखिए 2.5 इंच का हमने इस तरीके से मार्का लगाया, और इसमें गला मेरा रहेगा 10 इंच। और आपका बैक गला जितना रखना है उतना ही रखे, कटिंग करें। कोई 11 रखता है, कोई 8 रखता है, कोई 7 रखता है। ये देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रेट कर दिया, और यहाँ पे इस तरीके से राउंड कर देंगे। ये जो मार्का लगाए हैं 3 इंच नीचे फ्रेंड, यहाँ पे हमारी लुपी लगेगी, छोरी लगेगी बांधने के लिए, और इस तरीके से राउंड हम कट कर देंगे। आप पीछे कोई डिजाइन भी बना सकते हो, लेकिन बट मेरा ऑर्डर है कि राउंड गोल गला मुझे चाहिए, गोल गला बना रहे हैं। आप पीछे कोई डिजाइन बना सकते हो, बट डिजाइन किस में बना सकते हो, जिसमें लहंगा ब्लाउज में पीछे डिजाइन दी रहती है उसी में। अगर डिजाइन दिया रहता है तो पीछे का हम नहीं काटते राउंड गला, उसको इसी तरीके से छोड़ देते और स्टिचिंग करके कटिंग करते। और ये देखिए हम बाजू कटिंग करेंगे, तो बाजू इधर से मेरा आ जाएगा। बाजू का लंबाई मेरा बहुत ही कम है, 3.5 इंच लंबाई है और 9.5 इंच गहरा है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा बाजू। तो कटिंग करते समय आप ज़रा सा भी ना घबराएं, बहुत ही तसल्ली से कटिंग करें,
क्योंकि कटिंग के ऊपर ही हर चीज़ टिक रहती है। तो ये देखिए पूरा कपड़ा इतना है, और ये हम मार्कर जब लगाएंगे तो 4 इंची का लगाएंगे और आधा इंची हम मार्जिंग देंगे सिलाई करके पलटने के लिए, और इसे स्ट्रेट कर देंगे। ऊपर के जो हमने मार्जिंग दिया है वो 2.5 इंची का दिया है, और इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। अगर बाजू का लंबाई कम हो तो आप 2, 2.5 इंच दे सकते हैं, ढुला सकते हैं बाजू। अगर लंबाई ज़्यादा हो तो 3 इंच ढुलाएं, बॉडी के हिसाब से ढुलती है। और ये हम मार्कर लगा देंगे 9.5 पे। और इसमें भी जो है हम 2 इंच का मार्जिन देकर कट कर देंगे बाजू, यानी कि कभी भी ढीली करनी हो तो आसानी से ढीला हो जा। अब क्या करेंगे कि इसमें लेफ्ट एंड राइट के लिए कट लगा देंगे, इससे बाजू जो है बहुत अच्छी बैठ जाती है। ये देखिए मेरा बाजू जो है कट हो गया। अब जो है मेन पार्ट कट करेंगे, ये देखिए ये मेरा नेट है। तो ये नेट में जो है इतना कढ़ाई दिया हुआ है एम्ब्रॉयडरी, तो ये जो है फ्रंट का है। आगे का ये कोई आप आगे चाहे तो आगे लगा सकते हैं, पीछे चाहे तो पीछे लगा सकते हैं, आपके ऑर्डर के ऊपर की है। तो मेरा ऑर्डर है कि ये जो है हम आगे लगाएं और पीछे जो है हुक बनाएंगे, प्लेन रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये देखिए सेम बिल्कुल बराबर हम जो है 50-50 उसको फोल्ड कर लिए हैं, और इसके ऊपर जो है हम मेन पल्ला को रखेंगे। और ये जो है पहले जो है अच्छी तरीके से हम बैठा लेंगे। और ये जो मेरा मरका ऊपर वाली उससे हल्की हम एक चाप नीचे रखेंगे फिर कट करेंगे, क्योंकि जब स्टिचिंग होती है तो ये ऊपर की तरफ भागेगा। मेरा मेन पल्ला जो है वो थोड़ा ज़्यादा कट होता है, इसी को वजह से। तो आप भी ज़्यादा कट करें, वो नेट का हो या कुछ और हो, अगर अस्तर वाला है तो आप ज़्यादा मेन पल्ला कट करें। ये देखिए इसी तरीके से जो है हम बैक भी काट लेंगे, और ये जो है चेस्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि स्टिचिंग के समय आसानी होती है। तो मेरा बेस्ट जो है 25.5 से चेस्ट 33 इंच है। ये देखिए आप कटिंग के समय बिल्कुल घबराए ना, बिल्कुल शांतिपूर्वक काम करें अच्छी तरीके से। ये देखिए अब जो है हम बैक काटेंगे। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से काटेंगे, आप भी सेम इसी तरीके से कट कर लें। अब देखिए अब जो है हम बाजू कट करेंगे, और बाजू पे जो है कढ़ाई दिया है एम्ब्रॉयडरी है। ये देखिए ये दोनों एम्ब्रॉयडरी का जो है हम बिल्कुल 50-50 जिस तरीके से है उसी तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि आसानी से मेरा कट जाए। और इसके ऊपर जो है जो मेन पल्ला हमने कट किया है अस्तर, इसके ऊपर रखेंगे और फिर बढ़ते हुए, जैसे कि हर पल्ला में देखें मेन पल्ला जो है अधिक कट रही है उसी तरीके से हम अधिक कट कर लेंगे। ये देखें सेम इसी तरीके से। तो दोस्तों ये देखिए मेरा कटिंग जो है फाइनल हो चुका है। अब आपको जो है मशीन पे चलेंगे और फुल स्टिचिंग करके बताएंगे
तो चलिए चलते हैं मशीन पे। और आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। ओके, तो ये मेरा बैक पल्ला, सॉरी ये मेरा फ्रंट का पल्ला है, आगे वाली पल्ला है। तो ये देखिए, ये मेरा सीधा है और ये जो है मेरा अस्तर है। और ये जो मार्किंग देख रहे हैं फ्रेंड, सिलाने के बाद में ये ऊपर दिखना चाहिए, फिर जो है हम टेकिंग दे पाएंगे। ओके, ये मेरा सीधा है तो सीधा को हम ऊपर रखेंगे। ओके, मेरा अस्तर जो है वो सीधा ऊपर दिख रहा है और जो मेरा नेट है वो भी सीधे को ऊपर दिख रहा है। ओके, अब जो इस तरीके से जितना बढ़ते देखे हम कट किए हैं। ओके, उसी हिसाब से जो हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, जहाँ कढ़ाई है उसे एक पैर नीचे ऑटोमेटिक एक पैर नीचे हो जाती है, उसी तरीके से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए, और जो है पलट कर हम उस पर एक पैर का सिलाई लगा देंगे ताकि आसानी से मेरा कपड़ा बैठ जाए। और ये उल्टा ही, अभी सीधा नहीं करना है, उल्टा ही जो है इस तरीके से बैठाएंगे। देखिए, अभी आप जो देख रहे हैं ये जिस तरीके से नीचे का सीए हैं उसी तरीके से है। अब जो है गले का काम करेंगे, क्योंकि नहीं नहीं मेरा नीचा हेम होगा नहीं गले में होगा, दोनों स्टिचिंग से ही मेरा बन जाएगा। ऊपर स्टिच करेंगे, पहले जो है अच्छी तरीके से बैठा लेंगे, क्योंकि नेट में और अस्तर में सबसे ज़्यादा झंझट होता है कपड़े को संभालना। तो आप अच्छी तरीके से कपड़े को संभाल लें फिर स्टिचिंग करें। यदि जितना गला कट किया है उतना हम नाप लेंगे और उतना रखेंगे फिर सिलाई करेंगे। नहीं तो शिकायत क्या होती है फ्रेंड कि हमने तो कटिंग सही किया था बट गला जो है उतर रहा है और गिर जा रही है, यही परेशानी होती है कि सही से स्टिचिंग नहीं करते हैं, नाप कर स्टिचिंग नहीं करते हैं। तो आप जितना कटिंग किए हैं उतना ही पे पकड़ के आप स्टिचिंग भी करें। अब इसमें गला में जो है अस्तर की तरफ हम लपका सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, पूरा राउंड राउंड घुमा कर आराम आराम से। वीडियो थोड़ा हम स्पीड कर दिए हैं क्योंकि ये वीडियो लगभग 1.5-2 घंटे की बन जाती है, हम स्पीड नहीं करते। तो स्पीड वही किए हैं जहां आप अच्छी तरीके से समझ पाए, फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, हम कमेंट के द्वारा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा या उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो ये देखिए, कुछ सीधे होने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये सीधा हो गया है। अब जो है गले पे हम लपका सिलाई लगा देंगे राउंड। तो अब देखिए, नहीं तो नीचा हमें हेम करने का आवश्यकता है नहीं ऊपर, और चारों तरफ जो है अब स्टिचिंग कर देंगे अस्तर को संभालते हुए। ये देखिए, आराम आराम से चारों तरफ राउंड राउंड घुमा कर हम स्टिचिंग कर देंगे। अब जितना मेरा फालतू का कपड़ा है इसमें वो कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, ये मेरा आगे का पल्ला फाइनल हो गया। अब हम टेकिंग देंगे, जिस तरीके से हमने मार्किंग किया है सेम उसी तरीके से टेकिंग भी देंगे। तो देखिए, ये जो है मेरा आगे कट नहीं रहेगा, पीछे से हुक है। तो ये सबसे फर्स्ट टेकिंग हम किस तरीके से लगाते हैं, ये देखिए, सीधे पतली से कट लाएंगे और बीच में चौड़ी करेंगे, फिर इधर पतली करके उतार देंगे, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, और उसी तरीके से जितना मरका है उसी तरीके से हमने टेकिंग दे देंगे। और जहाँ पे स्टोन हो स्टोन को आप निकाल दें, नहीं तो मशीन के नीडल टूट जाएगी या मुर्ग सकती है। ये देखिए, अब जो है इस तरीके से हम टेकिंग दे देंगे। और जहाँ पे हमने टेकिंग रोकने का जो मार्का लगाया है 1.5-1.5 इंच का, सामने से 1 इंच और तीनों तरफ से जो है 1.5 इंच का रोकने का हमने जो मार्का लगाया है, सेम उसी तरीके से आप टेकिंग को दें, न ज़्यादा पकड़े न कम पकड़े, जितना हमने बता रखा है उतना ही सेम पकड़ के स्टिच करें। तो देखिए, हमने वीडियो स्पीड कर दिया है क्योंकि जहाँ जहाँ मार्का है सेम वहीं वहीं जो है टेकिंग दे देनी है।
ये देखिए, ये मेरा जो है बैक पल्ला है। तो जिस तरीके से फ्रंट का हम स्टिचिंग किए हैं, पलटे हैं, इसमें टेकिंग नहीं पड़ेगी, सीधी पलट देंगे। और स्टिचिंग करने के बाद में पीछा जो है दो टेकिंग पड़ती है कमर मेजरमेंट के हिसाब से। तो चलिए हम आपको जो है जिस तरीके से स्टिचिंग कर रहे हैं आप भी उसी तरीके से स्टिचिंग करें, अगर ऐसा कपड़ा है, ऐसा ब्लाउज़ है तो। और आप ही लोग का कमेंट आया था कि सर लेडीज़ के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है छोरी लगेगी बांधने के लिए, लास्ट में जो है झुमकी लगेगी। और यहाँ भी जो है हम लपका सिलाई लगा देंगे गले में अस्तर के ऊपर, फिर सीधी करके जो है लपका सिलाई लगाएंगे सीधी करके। ये देखिए सीधी करके जो है हम लपका सिलाई लगा रहे हैं। ये लपका सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से बैठ जाए और जो अस्तर है और नेट है वो इधर उधर हिले ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाए। दोस्तों ये सिलाई लगाते समय थोड़ी सी ध्यान देंगे, जहाँ पे मेरा नोचिस है, जहाँ पे मरका है, उससे बाहर की ओर सिलाई लगानी है, एक पैर की एक चाप बाहर की तरफ ही सिलाई लगाए, क्योंकि हल्की ढीली रहेगी तो टाइट हो सकती है और टाइट हो जाएगी तो खोलने में थोड़ा परेशानी बढ़ सकता है। इसलिए जो है हल्की ढीली ही सिलाई करें, क्योंकि टेकिन वगैरह पड़ता है तो मेरा फिट हो जाता है आधा इंच लगभग। और ये देखिए मेरा नापी के हिसाब से सीना है सेम ब्लाउज के जैसा ही, तो इसको हम नाप कर एक बार चेक कर लेंगे कि मेरा सही हो रहा है या नहीं। और मेजरमेंट का हिसाब दूसरा होता है, सेम टू सेम बनाना है उसका हिसाब दूसरा होता है। तो ये सेम टू सेम जो है ब्लाउज को नाप पर ही, अगर आप बड़ी नाप पर बनाते हैं तो कटिंग के समय 5 इंची जो है एक्स्ट्रा ऊपर चेस्ट में जुड़ जाती है बॉडी के हिसाब से, ज़्यादा अगर वो मोटी है तो। अगर थिंकिंग है तो 4 और खूब फिट पहनती है तो 3, ये पहनने पहनने वाले के जो है हिसाब से बनती है अगर नापते हैं तो। ये सेम टू सेम जो है सिल देना है। तो देखिए इसी तरीके से आप भी स्टिचिंग करें। और ये देखिए साइड मेरा स्टिच हो गया। ये देखिए बैक में मेरा जो है हुक रहेगा और काज रहेगा, तो इसमें जो है बीच से हम मार्का लगाएंगे और दोनों साइड से जो है हम स्टिचिंग कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम बीच से कट करेंगे तो मेरा कपड़ा इधर उधर नहीं खींचेगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इसलिए जो है हम स्टिचिंग कर देंगे। और जब भी आपको कट करनी हो
तो स्टिचिंग के बाद बीच से जो है स्टिच कर दें, फिर कट करें। या कितने लोग जो है पहले ही कट कर देते हैं फिर स्टिचिंग करते हैं। तो पहले किस तरीके से कटिंग की जाती है, जिसमें कपड़ा कम है और बैक बैठा कर दोनों पल अलग अलग कटना रहता है, तो उस सिचुएशन में कट कर सकते हैं। ये देखिए, इसे जो है अब हम बीच से कट कर देंगे। अब देखेंगे कि ऊपर से मेरा दोनों पक्का हो चुका है, तो हम किस तरीके से लगाएंगे, पट्टी को किस तरीके से बनाएंगे वो ध्यान से देखिए, क्योंकि पट्टी भी मुझे पक्का बनाना होती है। तो आप यहाँ ध्यान दें, पहले ही वीडियो कितने लोग छोड़ देते हैं कि यहाँ पे पट्टी ही सिर्फ बनानी है। और ये देखिए, ये लेफ्ट और राइट है। कितने लोग जो है लेफ्ट में हुक फंसाने के लिए बनाते हैं, कितने लोग राइट में बनाते हैं, तो अब नापी में देख ले, जिधर रहेगा उधर ही बनाए। तो चलिए हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं किस तरीके से पट्टी बनाएंगे और स्लीव्स भी किस तरीके से बना के अटैच करेंगे, लगाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आपको लास्ट में भी वीडियो शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हो टच करके। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। ये जो हम पट्टी कट करेंगे वो करेंगे 4 इंची चौड़ा, और जितना मेरा लंबाई है ब्लाउज को नाप लेंगे और उससे जो है हम 1.5 इंची एक्स्ट्रा कट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पट्टी जो है कट हो चुका है। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे, इसमें उल्टा सीधा का मरका लगा लेते हैं। इसमें तो सीधा सीधी दिख जा रही है, बट आपका आदत रहेगा हर चीज़ में लगाने का तो परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम आपको बना कर दिखाते हैं किस तरीके से काज वाली पट्टी बनाते हैं, किस तरीके से हुक वाली पट्टी बनाते हैं। तो ये देखिए, ये जो हम पट्टी बना रहे हैं उल्टी से सीकर सीधी की तरफ ले जाएंगे, इसमें मेरा काज बनेगा, फंसाने वाला काज बनेगा। और दूसरा जो बनाएंगे उसमें हुक लगेगा, ठीक है, उसमें हुक को अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से डबल हमने डबल किया है और फिर स्टिचिंग कर रहा है इसे, क्योंकि यहाँ पे हल्की मोटी रहनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छी बढ़िया रहना चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से वो हुक फंसे तो आड़े रहे, कपड़ा फटे ना ज़्यादा फिटिंग होने के कारण, इसलिए थोड़ा पे यहाँ ध्यान देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि फिटिंग का ज़माना है, हद से ज़्यादा लोग फिट पहन रहे हैं, तो आप स्टिचिंग पर भी ध्यान दें, क्योंकि कस्टमर ही हम लोग का जान होती है, भगवान होती है, तो उस पर ध्यान दें, उसके काम ऐसा करें ताकि वो खुश हो जाए। या अपना ही वर्क है, आप खुद सीख रहे हो, न्यू अपना वर्क करना है, फिर भी आपका काम मजबूत हो, अच्छी हो। और ये लपका सिलाई लगा देंगे, आपने देखा किस तरीके से हमने पक्का किया, ऊपर से भी हमने मोड़ के फोल्ड करके स्टिचिंग किया, फिर पक्का किया तो मोड़ कर ही फोल्ड करके ही पक्का कर दिया। ये देखिए, एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिख रहा है इस तरीके से नीडल से या पतली वस्तु से कपड़ों को अंदर डाल के इसे लॉक कर दें, ओके। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पैर का और सिलाई लगा देंगे, ताकि और अच्छी तरीके से बैठ जाए, क्योंकि इस पर प्रेस नहीं चलती है। और आप नेट के कपड़ों पे, मखमल के कपड़ों पर भूल कर भी आप प्रेस ना करें, क्योंकि इस पर प्रेस नहीं होती है। अब जो है इसमें पट्टी बनाएंगे, सीधी से स्टिचिंग करेंगे डबल करके, और उल्टी में हल्की चौड़ी 1 इंच की चौड़ी हम स्टिचिंग कर देंगे। ये पक्का स्टिचिंग होगा, तो ये देखिए इधर से इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग करेंगे, और इधर से भी हम फोल्ड करेंगे। चलिए स्टिच करके आपको बता रहे हैं, ये देखिए इधर से भी हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया और लॉक कर दिया। यहाँ पर देख ली किस तरीके से पक्का स्टिचिंग हो रही है हमारी। अब इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और नाखून का सिलाई, नाखून मारकर लपका सिलाई लगा देंगे, ताकि आराम से बैठ जाए बगैर परेशानी का। अब इसी तरीके से ये देखिए,
इस पर स्टिचिंग कर देंगे, ये एक इंच के आसपास जितना अच्छा लगे। और इस पर आपको नेट का कपड़ा नहीं है, मखमल का कपड़ा नहीं है, सूती कपड़ा है या और किस्म का कपड़ा है, तो यहाँ आप हेम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, हेम दिखनी नहीं चाहिए ऊपर और मखमल में, और ये नेट में आप जो है स्टिचिंग ही कर दें, क्योंकि इस सब में मजबूती चाहिए। ये देखिए किस तरीके से स्टिचिंग हुआ। अब जो मेरा वर्क बचा है वो लगा है, बचा है बाजू स्टिचिंग, तो बाजू स्टिचिंग करके आपको बताएंगे। ये देखिए इस तरीके से मेरा पक्का हो गया, पट्टी लग गया। अब बाजू लगा के आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। दोस्तों ये देखिए बाजू किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से लगाएंगे, सेम उसी तरीके से बाजू बनती है जिस तरीके से बैक पल्ला हमने बनाया है, ठीक है, या फ्रंट पल्ला हम जिस तरीके से बनाए हैं उसी तरीके से बाजू बनेगी। तो वीडियो को देख लीजिए और सेम उसी तरीके से स्टिचिंग कीजिए। तो ये देखिए मेरा बाजू का घेरा चाहिए 9.5 इंच, तो उतना पे हम मार्का लगाएंगे और कट कर देंगे। और अरमोल पे स्टिचिंग करते समय बॉडी से नाप कर ही स्टिचिंग करें, ताकि आपका जो है परफेक्ट आएगा, लगाने में बाजू परेशानी नहीं होती। कितने लोग बाजू पहले ही लगा के रख लेते हैं और तो बॉडी तैयार होने के बाद में लगाते हैं, बाजू बढ़ जाती है, घट जाती है। इसलिए इस तरीके से आप माप लें, ये देखिए, फिर बाजू को स्टिच करें। बहुत ही इजी फार्मूला है, बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं आप। सेम इसी तरीके से इसे भी स्टिच कर लें। और जो है बाजू का आप इस तरीके से रख ले और देख ले कौन लेफ्ट है और कौन राइट है। ये जो खाल दिख रहा है ना कटा हुआ, ये फ्रेंड आगे रहता है, और जो ज़्यादा दिख रहा है वो बैक रहता है, पीछे रहता है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन लेफ्ट है और कौन राइट है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मेरा बाजू लग रहा है ये मेरा बाँ साइड का, तो इसे क्या करेंगे कि बॉडी की तरफ हल्का आगे में बढ़ा कर रखते हैं जोर को, जो जोर होता है गोल। लेडीज़ लोग क्या करते हैं, बाजू स्टिच करके दोनों बराबर स्टिच कर देते हैं, इससे क्या होता है कि अच्छी तरीके से बाजू नहीं बैठती है। ये देखिए,
हम आधा इंच बाजू को आगे की तरफ रखते हैं, ठीक है। फिर स्टिच करेंगे इसे राउंड राउंड, बाजू बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाती है। इस तरीके से ये मोड़ देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, और यहाँ से एक पैर का सिलाई लेकर हम स्टिचिंग कर देंगे। चलिए हम आपको स्टिचिंग करके ही बताते हैं। देखिए एक पैर का सिलाई लेकर नीचे का जो कपड़ा है दोनों अच्छी तरीके से बैठा बैठा कर हम स्टिच करेंगे। तो दूसरा बाजू भी हम उसी तरीके से सेम लगा लेंगे और इंटरलॉक कर लेंगे, क्योंकि ये उभरती है। तो ये देखिए इसी तरीके से दोनों लगा लिए और इंटरलॉक भी कर लिए। अब सीधा करके देखेंगे, ये देखिए कितना फ्रेश जो है मेरा ब्लाउज उतरा। और ये जो इसमें ये जो है ये झुमकी लगेगा, ये मेरा लहंगा का ब्लाउज था, सिंपल लहंगा है। ये जो बड़ा बड़ा है ये लहंगा में लगेगी, और इससे जो ये छोटी छोटी है ये ब्लाउज में लगेगी। तो चलिए और बात बता दें कि मेरे स्क्रीन पे जो है वीडियो शो होगी, वहाँ पे टच करते ही मेरा वीडियो वॉच होने लगेगा। तो यहाँ से देखिए कौन सी वीडियो आप नहीं देखे हैं या नहीं सीखे हैं, तो यहाँ टच कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए। और जो मेरा चैनल का लोगो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियो देखना है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो को पूरा वहाँ से देखिए। कोट कटिंग, फिटिंग, शॉर्ट कटिंग, फिटिंग पैड कटिंग, नैरो पैड कटिंग, तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार मेरे वीडियो को, हर वीडियो को चेक करें और वॉच करें और सीखें। तो चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहा करो भाई।